उन्हेल नगर परिषद अध्यक्ष ने अपने निर्वाचन के लगभग 3 माह बीतने के बाद पत्रकारों से रूबरू होकर नगर विकास के लिए सुझाव मांगे। समस्या जानी तथा शासन द्वारा योजना अमृत 2 अंतर्गत नल जल योजना की जानकारी दी। नगर परिषद के कम्युनिटी हॉल में नगर परिषद अध्यक्ष शांतिलाल हलकार ने पदभार ग्रहण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की मंशा अनुरूप देश के प्रत्येक नागरिक को 135 लीटर पानी जल प्रदाय करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। इसी के अंतर्गत अमृत 2 नल जल योजना लागू की गई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही इसी को नीचे तक पहुंचाने का काम उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने स्वीकृत करवाया है। अब इसे मूल स्वरूप नगर निकाय में बैठी परिषद देगी, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए उन्हेल नगर परिषद के भी स्वीकृत हुए हैं। श्री हलकारा ने बताया कि अब नगर के प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति को 135 लीटर पानी मिलेगा। हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है और इसके लिए नगर परिषद में ग्राउंड में 50 वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी जर्जर हो गई, इसे डिसमेंटल कर नई टंकी अधिक क्षमता वाली बनाने के साथ नई आबादी में भी एक पानी की टंकी बनाई जाएगी तथा जहां पानी की लाइन नहीं है वहां लाइन डाली जाएगी, जिससे प्रत्येक घर में पर्याप्त पानी प्रतिदिन मिलेगा। इसके साथ ही नगर में समस्या को लेकर अवगत कराया। साथ ही प्रेस फोरम के अध्यक्ष सुनील जैन ने कहा कि नगर में अतिक्रमण को लेकर डिवाइडर के ऊपर ठेले वाले और फल फ्रूट वालों की स्थायी दुकान उपलब्ध कराएं। प्रेस फोरम के उपाध्यक्ष ने नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठाते हुए उन्हें सुझाव भी दिया कि किस तरह बिगड़ी सफाई व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और प्रेस क्लब अध्यक्ष दिनेश सोलंकी ने भी नगर परिषद की स्वास्थ्य समिति केंद्रों पर लगातार सतत निगरानी रखे ताकि वहां की व्यवस्था सुधर सके। प्रेस क्लब उपाध्यक्ष संजय कुंडल ने आवारा सांड और नगर की स्ट्रीट लाइट पप्पू जैन ने नगर परिषद की आय का स्रोत बढ़ाए जाने की बात कही। नितेश वर्मा ने नगर में पनप रही अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही। अनिल कपासिया ने कहा कि नगर में बिना अनुमति निर्माण को लेकर भी कार्रवाई करें। सभी पत्रकारों ने अपने अपने सुझाव रखे, साथ ही नगर के अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। मानते हुए श्री हलकारा ने पत्रकारों से अनुरोध किया कि वह समय समय पर नगर विकास के लिए अपने सुझाव दें और नगर विकास के लिए प्रेरित करें। आज का जो आपने पत्रकारों को जो बुलाया था, उसका क्या उद्देश्य था आपका? मेन तो हमारा सभी पत्रकार भाइयों से मिलना भी था, और जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा व मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास, जो गांव में जो बार बार पानी की समस्या आती है, हमारे अनिल जी फिरोजिया जी के प्रयासों द्वारा उन्हें 7 करोड़ की योजना एक स्वीकृत हुई है, इसी विषय में पत्रकार मित्रों से मिलना भी था और विषय में जानकारी भी देनी थी। कौन सी योजना कितने की? ये अमृत 2.0 की योजना है और 7 करोड़ की योजना है जो उन्हें में आई है। इसका पूरा प्लान वगैरह बना के कम्प्लीट है? हाँ, कम्प्लीट है इसका। कितनी टंकी वगैरह, कितना क्या है? अभी टंकी इसकी 2 टंकी की स्वीकृति है, 2 टंकी बनाना है हमें। नगर में कितनी टंकियाँ हैं पानी? कुल अभी 4 टंकियाँ हैं। नगर में कितना पानी प्रतिदिन सप्लाई होता है इन टंकियों द्वारा? देखो, अभी जो पानी जो सप्लाई हो रहा है वो इतना नहीं हो पा रहा है कि हम पर डे पानी दे पाएँ, पर जब 2 टंकी का निर्माण यदि हो जाता है तो हम प्रतिदिन पानी प्रत्येक व्यक्ति घर को हम पानी प्रतिदिन दे पाएंगे। आप मीटिंग में बता रहे थे कि ये टंकी सबसे पुरानी उन्हेल की है, जो उन्हेल परिषद के ग्राउंड के अंतर्गत है। जी, इसको डिसमेंटल करके बनाया जाएगा ऐसा कुछ? हाँ नहीं तो, क्योंकि ये ऑलरेडी खराब हो चुकी, पूरी मतलब जर्जर हो चुकी, पर ऐसा भी काम चला रहे हैं, पर बाकी अब इसके डिसमेंटल करके इसके नई टंकी निर्माण करेंगे। और आप सफाई के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं कुछ? खैर, वो अभी तो आज अमृत 2 के लिए ही बैठे हैं अपन, सफाई के लिए खैर काम चल रहा है, बाकी और भी कहाँ लगेगा। तो आप लोगों से हमने सलाह ली है, पत्रकार बंधुओं से, तो उसके और अच्छा काम करेंगे। उन्हेल से अनिल कपासिया की रिपोर्ट।